भोजपुरी दबंग स्टार खेसारी लाल यादव और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। कभी खेसारी लाल यादव के पास विवाद चलकर आते हैं तो कभी खेसारी लाल यादव खुद विवादों में फंस जाते हैं। और इस बार मामला दूसरा वाला है कि खेसारी लाल यादव खुद विवाद में अपने चलते फंसे हैं। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरा माजरा, ये आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा और क्यों, कब, कहाँ, कैसे खेसारी की मात्र एक गलती की वजह से उन्हें तुरंत लाइव आना पड़ा और अपने रिलेशन सुधारने की बात करनी पड़ी। खेसारी का रिलेशन इन दिनों रत्नाकर कुमार से भी अच्छा नहीं है, जैसे तैसे तो उनसे बात बनी थी। और ऐसे ही बात अगर अभय सिन्हा के साथ बिगड़ जाती, यशी फिल्म के कर्ता धर्ता अभय सिन्हा की ही बात कर रहे हैं हम, अगर उनसे बिगड़ जाती तो खेसारी लाल यादव के कैरियर में सबसे बड़ी हानि होती। जी हाँ, इन दिनों खेसारी लाल यादव के पास बड़े बैनर की फिल्में हैं तो उस पर सबसे बड़ी अगर फिल्में कोई इन दिनों बना रहा है तो यशी फिल्म, ये सभी जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब उनसे पंगा लेना खेसारी के लिए हमेशा महंगा साबित होता, क्योंकि बड़े बैनर की फिल्म में निकलने का मतलब होता है कि एक तरह से करियर में बहुत बड़ी हानि। खैर, हम आपको यहाँ वहाँ की बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बातें तो आप सभी जानते हैं। आपको हम ये बताने वाले हैं कि खेसारी कैसे विवाद में फंस गए। अब खेसारी लाल यादव इन दिनों छपरा में है, यह सभी को पता है, और इन दिनों वो छपरा के DM, DIG सभी से मिल रहे हैं। और ऐसे में ही DIG मनु महाराज और छपरा के DM से मिलने पहुंचे खेसारी लाल यादव। यहाँ पे दुखों सुखों की बात हुई और खेसारी लाल यादव अपनी जीवन कथा बताने लगे, और जीवन कथा बताते बताते खेसारी पहुंच गए लंदन। अब लंदन आप सभी जानते हो क्यों गए थे। लंदन तो अपने 3 फिल्मों की शूटिंग के लिए गए थे। लंदन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते फिर से लॉकडाउन, और वो भी तगड़ा वाला लॉकडाउन लगा। अब ऐसे में सारे फिल्म के कास्ट एंड क्रू, यानी कि 3 फिल्मों की शूटिंग के दौरान जितने भी को स्टार थे, टेक्नीशियन से थे, सभी को लाने का जो खर्चा था वो पर पर्सन पहुंचा 65 to 1 लाख रुपए। आप समझ सकते हैं 65 लोगों का खर्चा 60 से 65 हज़ार रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का उन्हें टिकट देकर लंदन से यहाँ लाने का कितना बड़ा रिस्क होता है और कितने पैसे जाते हैं ऐसे लॉकडाउन में। ये सारा खर्चा खेसारी ने खुद अपने जिम्मे उठाया था। ये सारी बातें खेसारी ने छपरा के DG और DM दोनों के सामने रखी, और ये बात खेसारी ने कभी नहीं सोचा होगा कि वहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसके जरिए ये मीडिया में आ जाएगी और वायरल हो जाएंगी बातें। और जैसे ही खेसारी का ये वीडियो आया, खेसारी को ये पता भी नहीं था कि ये तड़के तड़के लाइव आए, और उन्होंने वहाँ लहंगा लखनऊ 2 और दुल्हन वही जो पियामन भाई के बारे में बात करने लगे। और फिर ऐसे में ही खेसारी लाल यादव ने वो बातें उठाई जो उन्होंने DM और DIG के पास रखी थी, यानी कि उन्होंने लंदन से सारे टेक्नीशियंस को अपने नहीं, जबकि अभय सिन्हा यानी कि जो यशी फिल्म के कर्ता धरता है, उन्होंने कैसे मैनेज कर सभी के सामने लेकर आए। अब यही दो बातें, यहाँ खेसारी ने लाइव में आकर अभय सिन्हा का नाम दिया, और वहाँ खेसारी जब DIG और DM के पास गए तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि सभी को अपने खर्चे पर वो इंडिया लाए। बस यहीं से क्लैश शुरू हो गया और वीडियो इतना तेज वायरल हुआ कि खेसारी को मात्र 2 घंटे के अंदर, हम 2 घंटा शायद ज़्यादा बोल रहे हैं, उससे भी कम समय में वापस लाइव आकर अपने आप को क्लियरिफाई करना पड़ा और ये कहना पड़ा अभय सिन्हा से उनके रिश्ते को मत बिगाड़ा जाए, कुछ भोजपुरी के बड़े आर्टिस्ट मेरे पीछे पड़े हैं, जैसा कि राकेश मिश्रा ने पिछले दिनों कहा था, आपको याद होगा। और जो ये मजे ले रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, फलाना ढिमाका आपने लाइव सुना होगा। तो ये सारा माजरा ये है। जिसको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।